हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल anujindal.in. माय नेम इज चेतन एंड आज हम बात करने वाले हैं दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेडेड टुगेदर तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी. तो लास्ट जो मेरा वीडियो था, जो लास्ट सेशन था, उसमें मैंने बताया था आपको दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ दीज एग्जाम्स टुगेदर बिकॉज सिलेबस में काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं और मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया था आपके साथ इन दोनों का सिलेबस. तो काफी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कमेंट्स में, काफी लोगों ने बोला था दैट सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन स्ट्रेटजी एज टू हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर बोथ दिस एग्जामिनेशंस टुगेदर. तो आज वही वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट कि कैसे आप दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हो. ठीक है, चलिए. तो आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर दैट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड द लाइव कोर्सेज, द लाइव क्लासेस फॉर ऑल द थ्री मेजर regulatory body examination that is RBI, SEBI, NABARD. So ये पूरा schedule है, you can go through it. The schedule is also available on the website. बाकी कोई query होती है, you can always call on our helpline number which is 9994662525. And this is our application. I hope you all must be having this application in your phones because काफी beneficial है ये. If you are preparing for any of these examinations, तो चाहे आपको daily current affairs cover करने हो, okay. And a lot of other study, free study material is also available. A lot of videos are available. So, काफी beneficial application है ये सभी aspirants के लिए. Okay. So, before I begin with the strategy, तो एक expected मैं आपको date या month बताना चाहूँगा that when we are expecting the exams, ठीक है, for 2023. तो अगर SEBI की बात करूँ, we expect कि notification might come. देखो, अगर SEBI की बात करूँ मैं आपसे, so I expect that SEBI notification might come in December 2022, which means January end of 2023 आपका phase 1 exam हो सकता है. And accordingly एक month का time मिलता है phase 1 और phase 2 के बीच में, तो Feb 2023 में आपका phase 2 हो सकता है of SEBI. But अगर मैं बात करूं RBI की, तो बेस्ड ऑन दिस ईयर, तो इस साल आरबीआई का एग्जाम आपको पता है फेज वन वॉज इन मे एंड एंड फेज टू वॉज इन जून एंड में. ठीक है, तो वही अगर आप अज्यूम करके चलें कि 2023 में भी इन द मंथ ऑफ मे यू कैन एक्सपेक्ट फेज वन एंड इन द मंथ ऑफ जून यू कैन एक्सपेक्ट फेज टू. देखो, ये एक्सपेक्टेशन डेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि देखो फिर जो नोटिफिकेशन आ जाएगा विद टाइम, फिर हमें अपना एफर्ट थोड़ा वहां पे लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली. बट अभी हम तैयारी ऐसे करेंगे कि हमारे दोनों ही पेपर्स कवर हो जाएं. तो पहले हम लोग कॉमन सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी. फिर जो भी नोटिफिकेशन पहले आएगी यू विल बी रेडी. ओके, तो उस तरीके से थोड़ा लेके चलेंगे. बट वी एक्सपेक्ट कि सेबी का नोटिफिकेशन आ सकता है जल्दी. चलिए, नाउ सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस. देखो, जनरल अवेयरनेस सेबी आरबीआई दोनों में ही पूछा जाएगा. ठीक है, तो सब मतलब जनरल अवेयरनेस ऐसी चीज है जो आप डेली बेसिस पे यू कैन गिव सम टाइम, हाफ एन आवर और वन आवर डेली बेसिस पे आप दोगे तो दैट वुड बी गुड. बिकॉज सी, एक स्ट्रैटेजी होती है दैट यू कवर जीए एट द एंड, बट उसमें क्या होता है एट द एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, काफी सारा रिविजन करना होता है. तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ के चलें तो वो सही रहता है. बिकॉज जीए आपको पिछले 6 महीने का तो कवर करना ही होता है एंड फॉर आरबीआई फेज टू यू हैव टू कवर जीए ऑफ द लास्ट 1 ईयर. ठीक है, देखो, तो अब देखो डेली कवर करना बेटर रहता है, चाहे आप वीडियो के फॉर्म में कवर करो, डॉक्यूमेंट से कवर करो. वीडियो से कवर करने का एक बेनिफिट है दैट रिटेंशन इज मोर. देखो, विजुअल, एनी विजुअल थिंग हैज मोर रिटेंशन. विजुअल के बाद ऑडियो, ऑडियो के बाद वॉट यू रीड. तो इसलिए बोलते हैं दैट विजुअल हैज द मोस्ट, लाइक विजुअल लर्निंग हैज द मोस्ट रिटेंशन. तो इसलिए वीडियोज के थ्रू आप कोई चीज देखते हो तो ज्यादा आपको लंबे टाइम तक वो आप रिटेन कर पाते हो उस चीज को. तो सोर्सेज बहुत सारे हैं जीए कवर करने के लिए, लाइक अ लॉट ऑफ सोर्सेज आर ऑलरेडी देयर ऑन आर चैनल. तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो रेगुलरली तो आई डोंट थिंक आपको कहीं और जाने की जरूरत है पर्टिकुलरली फॉर जनरल अवेयरनेस. लाइक देयर इज अ सेशन ऑफ मॉर्निंग टेल्स, बेसिकली द करंट अफेयर्स का सेशन मंडे टू फ्राइडे इन द मॉर्निंग 7 AM. ओके, देन आरबीआई 247 टेकन बाय गुलाब्सा मैम ऑन ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे 8 AM. देन फाइनेंस करंट अफेयर्स अगेन टेकन बाय गुलाब्सा मैम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 PM. देन
पीआईबी सेशंस आर टेकन बाय मनीष सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एमडब्ल्यूएफ 8 AM. तो ओवरऑल सारा ही करंट अफेयर्स का आपका पार्ट एक ही जगह पे कवर हो रहा है. इन सभी के आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं इफ यू गो टू आवर वेबसाइट. ठीक है, उसके अलावा देयर इज मंथली मैगजीन कॉल्ड स्पॉटलाइट, वो भी फ्रीली अवेलेबल है, फ्रीली डाउनलोडेबल है. तो लॉट ऑफ सोर्सेज यू गेट ऑन आवर सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑन आवर वेबसाइट एंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल. बाकी पीआईबी जो है, पीआईबी स्पेसिफिकली फॉर आरबीआई सेबी के लिए उतना यूजफुल हम नहीं बोलते हैं उसको. ठीक है, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट फेज वन करंट अफेयर्स एंड फेज टू करंट अफेयर्स. देखो फेज वन में तो जीए आएगा ही, सेबी में भी, आरबीआई में भी. लेकिन फेज टू की बात करें फॉर आरबीआई, तो इन आरबीआई यू हैव ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. तो फाइनेंस में से करंट अफेयर्स आ सकते हैं इन फेज टू ऑफ आरबीआई, और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में से भी करंट अफेयर्स आते हैं, मे बी फ्रॉम पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स, व्हाटएवर. ठीक है, तो फेज वन की तैयारी करते हैं तो उसमें हम कहते हैं यू कवर पास्ट 6 months करंट अफेयर्स. बट फॉर फेज टू वी टेल आर स्टूडेंट्स दैट यू प्रिपेयर फॉर पास्ट 1 year करंट अफेयर्स. ठीक है, सेबी की बात करें तो सेबी के फेज टू में आपका फाइनेंस का सब्जेक्ट है, तो वहां से यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, बट बहुत ज्यादा वेटेज फेज टू में नहीं रहेगी, फेज वन में तो है ही. ओके, इफ आई टॉक अबाउट सेबी, तो ये आपका हो गया जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी. तो दिन का 1 घंटा भी आप दे सकते हो, इवन लेस देन दैट. देखो वीडियोस के थ्रू कर रहे हो तो यू मे हैव टू गिव 1 hour, बट वीडियोस में भी यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो 1.5x पे देख सकते हो. ठीक है, और डॉक्यूमेंट के थ्रू कवर कर रहे हो तो और जल्दी कवर कर पाओगे. वीडियो का एक बेनिफिट होता है वो मैंने आपको बता दिया. ओके, नाउ बिकॉज मैनी ऑफ यू माइट बी वर्किंग एस्पिरेंट्स, तो उस तरीके से टाइम को थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा. देन नेक्स्ट कम्स योर क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश. ठीक है, अब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगेन इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर इफ आई टॉक अबाउट सेबी, लेकिन आरबीआई में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है पर्टिकुलरली. सेबी में भी आपको मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे बिकॉज क्वांट रीजनिंग का लेवल काफी अच्छा है. इंग्लिश स्टिल पीपल आर एबल टू डू इफ दे हैव अ गुड बेसिक्स, अगर उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश के तो पीपल आर स्टिल एबल टू डू इंग्लिश. बट क्वांट रीजनिंग थोड़ा सा टफ पड़ता है फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, स्पेशली फॉर आरबीआई ग्रेड बी. तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए देयर इज अ 3-step अप्रोच विच यू कैन अडॉप्ट. नंबर 1, लर्न द कॉन्सेप्ट. सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है. ठीक है, जो हम अपने स्कूल टाइम पे समझते थे फॉर एनी टॉपिक, बी इट स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, सबसे पहले वो समझने बहुत जरूरी है. ठीक है, अब यू कैन रेफर टू एनी सोर्स, लाइक देयर इज अ गुड यूट्यूब चैनल कॉल्ड फील फ्री टू लर्न, फ्रॉम वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब कॉन्सेप्ट के लिए यू कैन रेफर टू अ बुक ऑल्सो. ओके, यू कैन रेफर टू अ बुक ऑल्सो. आफ्टर यू डन विद द कॉन्सेप्ट, देन यू हैव टू मूव टू द शॉर्टकट बिकॉज टाइम इज द लिमिटिंग फैक्टर इन दीज गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस लाइक सेबी और आरबीआई. टाइम बहुत लिमिटेड है तो स्पीड हैज टू बी इंक्रीज, और स्पीड इंक्रीज करने के लिए अगर हमें शॉर्टकट पता है तो दैट इज हेल्पफुल. तो शॉर्टकट के लिए देर इज एन इंटायर प्लेलिस्ट, मैंने काफी सारी वीडियोज बनाई है. सो ऑन आर चैनल यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग, उसमें आपको फॉर वेरियस टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग एंड क्वांट यू विल गेट द माई वीडियोज ऑन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स. वहां पे शॉर्टकट्स ही समझाए हैं, यू कैन वॉच दोज वीडियोज. ठीक है, एंड देन द लास्ट स्टेप इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फिर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो प्रैक्टिस करने के लिए देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल, लाइक आर बुक इज इजिली अवेलेबल इफ यू गो टू आवर वेबसाइट. ओके, वहां पे आपको हमारी बुक मिल जाएगी, यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर द बुक फ्रॉम आवर वेबसाइट, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश. ठीक है, सो दिस इज आवर बुक कंटेनिंग 2000+ क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड सॉल्यूशंस. तो प्रैक्टिस आप यहां से भी कर सकते हो, एंड देर आर अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेज लाइक किरण पब्लिकेशन एंड अदर सोर्सेज, सो प्रैक्टिस वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. बिकॉज मॉक टेस्ट की बात तो बाद में आती है, मॉक टेस्ट हम तब करते हैं जब वंस वी आर डन विद द सिलेबस. तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है, शॉर्टकट कवर करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस करते वक्त ट्राई टू अप्लाई द शॉर्टकट. ठीक है, जहां शॉर्टकट नहीं लगा पा रहे वहां आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे करना पड़ेगा. बट इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इफ यू अप्लाई द शॉर्टकट यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये हो गया आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश. देखो इंग्लिश की भी अगर आपको लगता है कि वीक है, तो इफ यू वांट टू कवर द बेसिक्स, द ग्रामर, ओके, इन इंग्लिश, तो यू कैन रेफर टू एनी गुड बुक. ओके, लाइक रेनन मार्टिन और अदर बुक्स ऑफ मे बी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, काफी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में अगर ग्रामर, बेसिक ग्रामर आपको लगता है वीक है. और अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स आर ऑल्सो देयर विच यू कैन रेफर टू. ठीक है, ये आपका हो गया क्वांट रीजनिंग इंग्लिश. तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगेन
अगर ये आपका एरिया वीक है तो यू मे हैव टू गिव सम टाइम डेली, मे बी हाफ एन आवर और वन आवर डेली आपको डिवोट करना चाहिए अगर दिस इज योर वीक एरिया, ठीक है, बिकॉज पर्टिकुलरली इन आरबीआई ग्रेड बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, सेमी में भी डिफिकल्ट है, बट अगेन आरबीआई में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर. ओके, नाउ वंस यू आर डन विद दिस जीए एंड क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, तो ये आपने डेली बेसिस पे कवर आप कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आपका वीक एरिया है कि नहीं, लेकिन मेजर फोकस तो हमको सब्जेक्ट्स को ही कवर करना है, ठीक है. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए अगेन दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक वो क्लियर नहीं करोगे तब तक फेस टू पे पहुंच ही नहीं पाओगे, बट सब्जेक्ट्स भी हमको कवर करने हैं अच्छे से. नाउ वॉट शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ कवरिंग द सब्जेक्ट्स, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी है, लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट आर देयर इन बोथ सेबी एंड आरबीआई, तो फाइनेंस मैनेजमेंट को हम पहले कवर कर सकते हैं बिकॉज दोनों में आता है वो, ठीक है. अगेन इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स आरबीआई का डिफरेंट है काफी, सेबी का डिफरेंट है. ओके, तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस होना चाहिए, लाइक यू कैन फर्स्ट कवर फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. अब चाहे पहले मैनेजमेंट करो चाहे पहले फाइनेंस करो, दैट इज नॉट एन इशू, बट पहले इन दोनों सब्जेक्ट्स को आप कवर कर लो, सो दैट आपके दोनों एग्जाम्स की तैयारी मतलब स्टार्ट हो जाएगी एक साथ उस केस में. तो पहले फाइनेंस कवर कर लो, मतलब टेक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम आई वुड सजेस्ट. बाकी अगेन इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है एक सब्जेक्ट पहले आप कवर कर लो, देन यू मूव टू सेकंड, दैट इज गुड बिकॉज एक फ्लो बनता है, तो स्लो में अगर आप पढ़ सकते हो तो, एंड देन यू कैन गो टू इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स में थोड़ी सिमिलैरिटी है, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, सेबी आरबीआई में थोड़ी सिमिलैरिटी है बट काफी डिफरेंसेस भी है. तो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या कवर करना है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट आरबीआई, तो आरबीआई में तीन मेजर हेडिंग्स हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये कवर करने हैं. और बाकी माइक्रो मैक्रो का काफी पार्ट आपका सेबी में आता है, ठीक है, तो वो भी कवर करना है. तो थर्ड पे आप इकोनॉमिक्स कवर कर सकते हो. वंस यू आर डन विद दीज थ्री सब्जेक्ट्स, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि बिकॉज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सा एग्जाम आने वाला है कौन सा नहीं आने वाला है, ठीक है. तो उसके बाद फिर हमको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, फिर से हमको रिलुक करना पड़ेगा कि डिपेंडिंग अपॉन विच एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू कम फर्स्ट. सपोज आरबीआई पहले आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप इकोनॉमिक्स के बाद फिर सोशल इश्यूज कवर करना, राइट. बट अगर आपको बट इफ वी गेट टू नो कि सेबी पहले आ सकता है, देन आफ्टर यू आर डन विद इकोनॉमिक्स यू कैन कवर कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, ओके, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये चीजें पहले कवर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन दैट, ठीक है. बट ये आपके लिए स्टार्ट आपको मिल गया है, पहले आप स्टार्ट कर लो, बिकॉज वंस वी गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, तो उसके बाद फिर से आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको और एक आपको प्रॉपर प्लान बता दूंगा, ठीक है. बट अभी के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो. एंड इफ आई टॉक अबाउट, अब देखो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के फेस टू में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है फॉर ईएसआई एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप तभी स्टार्ट करोगे ना वंस यू आर डन विद द सिलेबस. तो पहले सिलेबस कवर करना है, वंस वी आर डन विद द सिलेबस देन ओनली वी कैन स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. अदरवाइज जब तक सिलेबस ही कवर नहीं किया है हाउ कैन वी स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है. तो थोड़ा सा सिलेबस आपका हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर वीकली बेसिस पे लाइक ऑन संडे यू कैन पिक वन डे इन अ वीक, लाइक संडे सैटरडे वट एवर, ऑन दैट पर्टिकुलर वन डे ऑफ द वीक यू कैन स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे वंस द एग्जाम अप्रोचेस, ठीक है. ऐसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो. So what you can do is on our channel a lot of videos are already available about English descriptive writing. So wo aap videos dekhoge by Anuj sir, you will first come to know ki how do we write an answer, the intricacies, the important points one should keep in mind while we are writing an answer. So pehle aap wo generic matlab that conceptual videos you should watch and then you can start writing the answers, theek hai. So that could be our strategy if you are preparing for both these examinations together. So this is it I wanted to discuss in today's session. Baki kuch aapka doubt hoga, kuch doubt hai, if you have any doubt, you can always write your doubt in the comment section. Kuch bhi aapko puchna hai regarding this video or anything which you want ki main kisi aur topic pe video banau, okay, then you can always tell me in the comment section, I will make the video on that, okay. Chaliye, with this I'll wind up this session. If you have liked the session, do hit the like button, subscribe our channel, and also share this video with others so that they can also benefit. All the very best, guys. Take care. Goodbye. Have a nice day.